हमें आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो लिए अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो लिए अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आशाओं का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। आशाओं का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। इस देश की नारी सड़कों पर, उस देश का आलम क्या होगा। इस देश की नारी सड़कों पर, उस देश हम लोगों ने आज हमको 25वां दिन धरना प्रदर्शन करते हुए हो गए हैं, लेकिन ये सरकार हमारी कोई सुध नहीं ले रही है। जब तक सरकार हमारी ये सुध नहीं लेती, हमारा मानदेय नहीं करती, तब तक हम लड़ाई जारी रखेंगे और हड़ताल को अभी और जोर शोर से हमने रखना है। हमारे अभी पूरे राज्यों में वो आशाओं का पूरा हड़ताल जारी है और 25 दिन हो गए हैं, जबकि हमें हमारा कार्य को देखते हुए सरकार हमारी कोई सुध नहीं ले रही है। इसलिए हम अभी, अगर हमारी सरकार ये भी हमारी वो सुध नहीं लेगी, तो हम केंद्र सरकार तक जाएंगे और उसका घेराव जिसमें उनकी मांगे पूरी नहीं हुई है। और ये सच है कि जो सरकार है सिर्फ वादे करती है और मांगों को पूरी नहीं करती। लेकिन मैं आपसे ये बोलूंगी कि हाँ, जहाँ तक सीएम की बात है, मैं भी अपनी तरफ से एक लेटर लिख के भेजूंगी आशाओं की तरफ से, अपनी तरफ से, कि उनकी मांगे पूरी हो, उनकी जो सैलरी है वो बढ़े। और मतलब जब भी उनको बुलाते हैं वो तभी वो हॉस्पिटलों में जाते हैं, क्योंकि ये जो हॉस्पिटल है, जो नेता है वो जनता के ही है। और जो यहाँ पे मैं अपने ब्लॉक से भी कोशिश करूंगी, यहाँ से भी लेटर भेजूंगी, विधायक जी से भी बात करूंगी कि इनकी मांगे यहाँ पर पूरी हो, और जहाँ तक इनकी रैली निकालने के बाद इनके समर्थन का बात, वहाँ तक मैं इनके साथ हूँ और हमेशा रहूंगी। जब भी मतलब मैं ठीक रहूंगी या फिर मेरी कोई परेशानी नहीं होगी, मैं हमेशा आप लोगों के साथ हमेशा।